Hello children, welcome to our YouTube channel Sanra Advanced Education. Today we will learn computer science of class 4th and today we will learn lesson 3rd. Lesson 3rd is formatting in Microsoft Word. हम इस लेसन में पढ़ रहे थे कि Microsoft Word में formatting कैसे की जाती है. हम इसमें पढ़ चुके हैं टेक्स की फॉर्मेटिंग करना, इसके अलावा चेंजिंग द फॉन्ट, फॉन्ट चेंज करना सीख चुके हैं पिछली वीडियो में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लेसन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो प्लीज पहले उस पार्ट को देख लीजिएगा, बाद में फिर इस पार्ट को देखिएगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. और आज हम पढ़ेंगे चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज होता है, इसके अलावा फॉन्ट कलर कैसे चेंज होता है, जो हमारे लेटर्स होते हैं उनको हम कैसे, उनका कलर कैसे चेंज करते हैं, इसके अलावा हम मार्जिन जो होती है, जो हमारा पेज होता है उस पर मार्जिन होती है, ब्लैंक एरिया होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इसके अलावा हम कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, फाइल है, उसमें बॉर्डर कैसे लगाते हैं, बॉर्डर का क्या यूज होता है, इस ये सारी बातें आज के हम इस लेसन में पढ़ेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं लेसन. दिस इज कंप्यूटर साइंस क्लास 4th एंड लेसन 3 एंड दिस इज second part of the lesson. Today we will learn changing the font size and others. Let's begin. Regular, bold, italic or italic, bold, italic and underline are the font styles available in Microsoft Word 2000. ये कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल हैं जो माइक्रोसॉफ्ट 2007 में पाए जाते हैं. रेगुलर, बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन. द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज इज रेगुलर, और डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है इसकी वो रेगुलर होती है. आपको बोल्ड इटैलिक या इटैलिक बोल्ड या फिर अंडरलाइन आपको खुद लगानी पड़ती है, इसमें लगी हुई नहीं होती है. टू चेंज द फ़ॉन्ट स्टाइल यूज दीज स्टेप. हम इन स्टेप को फॉलो करके फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं. देखते हैं कैसे हम फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे. सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट एंड ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स. आपको क्या करना है, पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसका आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, और उसके बाद फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है. सेम वही फॉन्ट, यहाँ पर ये फॉन्ट लिखा है, इसके बराबर में एक एरो आती है, उस पर क्लिक करना है या फिर कंट्रोल डी करना है. उसके बाद फिर आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा. देन क्या करना है, सेलेक्ट ए फॉन्ट स्टाइल फ्रॉम द फॉन्ट स्टाइल सेक्शन. फॉन्ट स्टाइल सेक्शन में से आपको कोई सा भी फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है. रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, इस तरीके से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है. देन क्लिक टू सी ए ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ अंडरलाइन स्टाइल. क्लिक टू सेलेक्ट ए सुइटेबल स्टाइल विच यू वांट. उसके बाद इधर अंडरलाइन का भी ऑप्शन दिया हुआ, अंडरलाइन स्टाइल. यहाँ से आप, यहाँ पर आपको कई सारे, देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ अंडरलाइन एंड यू वांट, आप इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो. उसके बाद फिर ओके पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है. उसके बाद फिर जो भी आपने फॉन्ट सेलेक्ट, फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट किया होगा, अंडरलाइन सेलेक्ट की होगी, वो आपकी स्क्रीन पर उस टेक्स्ट में जो आपने सेलेक्ट किया था उस पर आ जाएगी. नेक्स्ट, द फॉन्ट स्टाइल विल चेंज अकॉर्डिंगली. फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा. अब हम पढ़ेंगे चेंजिंग द फॉन्ट कलर. फॉन्ट का कलर हम कैसे चेंज करें. सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट एंड ओपन द फॉन्ट बॉक्स. जिसको, जिस टेक्स्ट को आप कलर चेंज करना चाहते हो, जिसका, उसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे. क्लिक हेयर टू सी द फॉन्ट कलर पैलेट्स. उसके बाद कलर आप सेलेक्ट करेंगे. इधर देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है कलर का, फॉन्ट कलर का, इस पर जो ये लिस्ट दी हुई है इस पर क्लिक करेंगे. क्लिक टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉन्ट कलर. उसके बाद कोई सा भी आप फॉन्ट, फॉन्ट कलर सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे. आपका जो कलर है वो सेलेक्टेड टेक्स्ट पर आ जाएगा. इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं.
अंडरस्टैंडिंग पेज मार्जिन, मार्जिन होता किनारा, पेज मार्जिन को हम पढ़ेंगे। द पेज ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट जनरली हैव ए वाइट एरिया अराउंड द टेक्स्ट। आपने देखा होगा जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो जो टेक्स्ट एरिया होता है उसमें वो वाइट एरिया होता है चारों तरफ उसके। देखिए इस तरीके से, जैसे ये है यहाँ पर, इधर की साइड है, इधर है और इधर की साइड भी है। दिस इज़ अ वाइट एरिया। दिस वाइट एरिया इज नोन एज द पेज मार्जिन। और ये जो वाइट एरिया होता है इसी को ही पेज मार्जिन बोला जाता है। किस तरीके से इसे हम सेट करेंगे? सेट करने के लिए हमें ये रूलर इस पर है नहीं, लेकिन यहाँ पर चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेकिंग कॉलम्स, कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं? इफ़ यू ऑब्जर्व द टेक्स्ट टाइप इन ए न्यूज़पेपर और इन ए मैगजीन, यू विल सी दैट इट हैज़ बीन टाइप्ड डॉक्यूमेंट एंड टाइप टेक्स्ट कॉलम वाइज। आपने न्यूज़पेपर तो देखा होगा, इसके अलावा मैगजीन जो होती होंगी उनके टेक्स्ट को ऑब्जर्व किया होगा, और आपने क्या देखा होगा उनमें कि वो जो डॉक्यूमेंट है या वो जो मैगजीन टाइप है, न्यूज़पेपर टाइप है, उसका जो टेक्स्ट है वो कॉलम वाइज होता है, छोटे छोटे से कॉलम्स में वो डिवाइडेड होता है। किस तरीके से हम कॉलम लगा सकते हैं? क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक ऑन द कॉलम बटन, कॉलम बटन होता है उसमें कॉलम पर क्लिक करना है। सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके बाद आपको कॉलम्स के नंबर सेलेक्ट करने हैं, जितनी भी कॉलम्स हैं आप अपने पेज को डिवाइड करना चाहते हैं। देखिए इसमें इस तरीके से दिखाया हुआ है, ये पेज लेआउट है, कॉलम्स है, और उसके बाद आप 1, 2, 3 कॉलम्स में अपने पेज को डिवाइड कर सकते हैं। और पेज हमारा अगर आपने 2 सेलेक्ट किया है तो पेज हमारा 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। अप्लाइंग ए बॉर्डर टू द पेज, पेज पर बॉर्डर लगाना। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट ए वेरी इंटरेक्टिव बॉर्डर टू अप्लाई टू द होल पेज। आप कोई भी अट्रैक्टिव बॉर्डर अपने पेज पर लगाने के लिए अपने पेज पर अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। किस तरीके से लगाएंगे? दिस बॉर्डर इज अ पिक्चर बॉर्डर विच विल मेक द पेज अपीयर वेरी डेकोरेटिव। आप इसमें से पिक्चर बॉर्डर भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका जो पेज है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। किस तरीके से लगाएंगे? क्लिक ऑन होम टैब, होम टैब पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन द बॉर्डर्स एरो हेड बटन, उसके बाद बॉर्डर एरो हेड बटन पर क्लिक करना है। देखिए होम टैब है इधर, और इसमें दिया हुआ है बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन होता है इसमें, इधर ये है यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करेंगे एरो हेड पर बटन पर, और फिर इसमें नीचे ऑप्शन आएगा बॉर्डर एंड शेडिंग के नाम से, ठीक। फ्रॉम द लिस्ट क्लिक ऑन बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर, उसके बाद फिर आपके सामने बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा बिल्कुल इस तरह से। क्लिक ऑन द पेज बॉर्डर टैब, पेज बॉर्डर टैब पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है? फ्रॉम द आर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द पिक्चर ऑफ बॉर्डर टाइप। उसके बाद आर्ट का एक यहाँ पर बॉक्स होता है, आर्ट के नाम से होता है, देखिए मैं ये यहाँ पर है, यहाँ पर से आप इसमें पिक्चर्स आती हैं, आप अगर आपको पिक्चर बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से आप कोई भी पिक्चर बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो जाएगा।
फ्रॉम द विथ बॉक्स इंक्रीज डिस्क्रीज द विथ ऑफ द बॉर्डर। इसके अलावा जो बॉर्डर है उसकी जो चौड़ाई है मोटाई है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए विथ, यहाँ पर ये WIDH विथ के नाम से एक बॉक्स मिलेगा आपको, इस पर आपको क्लिक करना है और उसका साइज भी आप इंक्रीज या फिर डिस्क्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है, आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। आज हमने पढ़ा लेसन थर्ड क्लास फोर्थ एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन, नोट द थर्ड, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन एंड जल्द ही लेकर आएंगे लेसन का थर्ड पार्ट भी। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।